जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वीक हम पूरे देश से छांट के आप लोगों को उन सक्सेस से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने दम पे या अपनी हॉबीज के बल पे या अपने पैशन के द्वारा जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो पूरी देश के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, जिसको देख के आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो इंस्पायर होंगी, और जो लोकल लेवल या अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में या अपनी जहाँ जहाँ वो काम कर रहे हैं उन्होंने एक बहुत बड़े चेंज मेकर का रोल अदा किया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस से मिला रहा हूँ जो कि एक छोटी सी जगह से पढ़ाई करके और फिर बॉम्बे शहर में पहुँच के और कॉरपोरेट जगत में एक बड़ा नाम किया, और उसके बाद में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके गए और फिर उन्होंने रनिंग स्टार्ट की। रनिंग स्टार्ट करते करते उन्होंने बॉम्बे के अंदर जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए उन्होंने एक इतना बड़ा काम किया, वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर, जितने जो रनर्स हैं उनके साथ मिलकर उन लोग बच्चों के इलाज के लिए, और उन्होंने रनिंग कम्युनिटी को जितना जो दिया है वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूं हमारे फिट भारत एम्बेसडर, फिट भारत कैप्टन नवीन चंद्र हेगड़े से। नवीन, आपका स्वागत है फिटिस्तान एक फिट भारत में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप देश की जनता से रूबरू होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि फिटिस्तान एक फिट भारत जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नवीन भाई जैसे और भी इंस्पायरिंग जो पर्सनालिटी जिनसे आप मिलेंगे, जब भी उनका इंटरव्यू आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। नवीन भाई नमस्ते सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू फिट भारत के आप जैसे जितने भी जो पूरे देश में जो साथी हैं उन लोगों की तरफ से भी मेरे पास ये आया कि नवीन भाई को सुनना है, और मुझे भी खुद को लगता है कि आपने ज़िंदगी में वो सब काम किया है जो एक ट्रू चेंज मेकर, एक ट्रू लीडर, एक ट्रू कम्युनिटी लीडर जो करता है, और जो जिस देश को जिनकी आवश्यकता है आप उनमें से एक हैं। नवीन भाई, ये जर्नी आपकी जो है बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सुनने वालों को अपने बचपन कौन सी जगह था, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, माताजी पिताजी क्या करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्ते दोस्तों, मैं नवीन हेगड़े, मैं मैंगलोर, छोटा सा शहर बोल सकते हैं या टाउन बोल सकते हैं, मैंगलोर से हूँ। वैसा हमारा जन्म तो मैंगलोर से एक 25 किलोमीटर दूर का एक गाँव है, वो गांव से हम लोग का जन्म हो गया था। मेरा माता पिता लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं, तो फार्मर्स हैं, तो वहाँ से हमारा एजुकेशन के लिए हम हमारा मौसी का घर पे, हम लोग मैंगलोर सिटी पे हमारा एजुकेशन शुरू हो गया था। हम थोड़ा नसीबदार थे कि हमको एक अच्छा स्कूल पे भर्ती हो गया, भले हम वर्नाकुलर मीडियम पर हम लोग एजुकेशन हुए थे, लेकिन हमारा स्कूल पे भले पहला स्टैंडर्ड से लेके हमारा जो हाई स्कूल तक हमारे पास खेलने के लिए काफ़ी ग्राउंड्स थे। सो एक हर बच्चे के काब हो जाते हैं, पढ़ाई तो करने का हर एक को इच्छा रहता है, लेकिन हमारा स्कूल का टाइमिंग भी वैसा था, सुबह का 9:30 को स्टार्ट हो जाता था, 12:30 के बाद एक लंच ब्रेक मिलता था, बाद में दोपहर को 2 बजे के बाद शुरू हो कि हम लोग को 5 बजे तक क्लास रह जाता था। इस पर नवीन भाई, मैंने आपकी एक कहानी पढ़ी है दोस्तों इनकी, मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा आप इलोबोरेट करें। ये आज के ऑलमोस्ट 50 साल पहले की बात है कि ये 5 पैसे बचाने के लिए, ये बंदा जो देख रहे हैं ना आप, ये बंदा सिर्फ 5 पैसे बचाने के लिए ये आदमी दौड़ता था, उस कहानी को थोड़ा सा आप बताएं। हमको ये जो लंच ब्रेक पे हम लोग को घर जाने का एक अवसर भी मिल जाता था, क्योंकि पहले का 7वें क्लास तक हम लोग लंच बॉक्स लेके आते थे, तो हम स्कूल पे हमारा मिड डे मील हो जाता था, उसका बाद हम लोग खेल में बिजी रहते थे 2 बजे तक।
लेकिन एक बार हम आठवें क्लास पे आ गए, आठवें क्लास आने के बाद हम लोग को ये जो लंच ब्रेक था, हम लोग को घर नज़दीक था तो भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग को एक बस का सुविधा था, तो हम सोचे कि घर पे जाके लंच करके हम आ सकते हैं। लेकिन ये जो बस का वो ज़माने में 15 पैसा हमारा किराया था, और 15 पैसे का जो किराया का बस है हम लोग को स्कूल से तुरंत नेक्स्ट स्टेप स्टॉप पे मिल जाता था। लेकिन वहाँ से 3 किलोमीटर भाग जाएगा तो हमको 5 पैसा और भी बचाता था। तो हमने ये जो मौका है 5 पैसा बचाने का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो 5 पैसे बचाने में ये जो 3 किलोमीटर रन करने का, नॉन स्टॉप रन करने का एक आदत हमको वो ज़माने में पड़ गया। सो एक भागने का जो सिलसिला है वो हमको बचपन से एक अपॉर्चुनिटी का जरिए, आप बोलो एक अपॉर्चुनिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, 5 पैसे बचाने, मतलब वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है उस ज़माने में। आज से 50 साल पहले 5 पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन उस 5 पैसे बचाने के साथ साथ जो 3 किलोमीटर रोज़ाना लगातार 6 दिन सप्ताह में, और वो भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से दौड़ के 3 किलोमीटर जाना, वहाँ से बस पकड़ना, फिर घर जाके लंच करना, फिर वापस आना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही, मतलब ये आजकल के जो हमारी जो युवा पीढ़ी है शायद उसको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि घर के सामने बस आके लग जाती है और स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल में वापस या तो बस आ जाती है या पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं या पेरेंट्स लेने जाते हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं हिंदुस्तान में, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि कभी कभार बच्चों को आप इंडिपेंडेंटली जाने का मौका दें, आप उनको सड़कें, आप उनको आसपास की दुकानें, आप उनको आसपास के पेड़ पौधे, जो क्या चल रहा है वो भी देखने का मौका दें। ये आपके सामने बैठे हैं, हम सब हैं, और हो सकता है आप लोग भी अपने बचपन में पैदल चले होंगे, लेकिन जब आज पैसा आ गया है या सुविधाएँ हो गई हैं तो आप बिल्कुल बच्चों को डोर टू डोर जो हो रहा है ये शायद बच्चों को कहीं ना कहीं नवीन भाई बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर देता है। 100% क्योंकि जो ज़माने पे से हम आ चुके हैं और आज हम सोचते हैं कि हम भी शायद थोड़ा सेल्फिश बन जाते हैं, लेकिन हमारा गलती है, हम सुधारने का एक मौका भी है। बिल्कुल ओके। सो हम हमारा बच्चों को सोचते हैं कि सुविधा देने में वो लोग को अच्छा हो जाएगा, वो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होने का टाइम, हमारे ऊपर दोषी जरूर मानेंगे, क्योंकि हमने उनको वो जो मौका वो एक्सपोजर दिया ही नहीं है। और शायद यूं लगा, मैं आज हम ठीक है आज मैं बात करता हूँ कि हमें रनिंग, ठीक है वो सेकंड स्टेज पे मैं बोलना पसंद करता था, फिर भी हमें हमारा बच्चे रनिंग करते देखते देखते वो लोग भी मैराथन रन करना भागने लग गए। सो अगर हम जो प्रैक्टिस किए थे वो जो अच्छा था हमारा बचपन का, वो चीज़ भी उनको देता तो शायद वो लोग को ज़्यादा आनंद आ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नवीन भाई की जो बचपन से जो रनिंग की जो इनकी जो शुरुआत है वो स्कूल में ही हो गई, वो 3 किलोमीटर सप्ताह में कम से कम 6 दिन लगातार हो रही थी, उसके अलावा खेलते तो थे ही, तो ये स्कूल में चलता रहा। फिर आपका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, इन्होंने इंजीनियरिंग की है आईटी में धारवाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो फिर वहाँ भी क्या आप दौड़ते थे? देखो इंजीनियरिंग कॉलेज पे ये जो एथलेटिक्स का सिलसिला थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन उधर आउटडोर गेम्स, क्योंकि उधर तो एज अ कोर्स उसका जो डिज़ाइन थोड़ा खतरनाक था, आपको तो दिन पे सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक क्लासेस प्रोजेक्ट्स और लेबोरेटरी पे हो जाता था, और डेफिनेटली वो एक ऐसा एज ग्रुप है कि उसके बाद आपको थोड़ा मस्ती पे ज़्यादा समय जाता था, उसका मतलब हमारा खेलने का सिलसिला कम नहीं होता। हम जितना भी आउटडोर गेम्स थे, वेदर इट इज़ हॉकी, वेदर इट्स फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी या लोकल गेम्स आप बोलो, हम सारे गेम खेलते थे। भले वो जो गेम खेलने का जो अमाउंट ऑफ आवर्स टाइम था वो थोड़ा कम था। इनफैक्ट मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज का टाइम पे सडनली मेरे को एक माइग्रेन अटैक हो रहा था, इन द सेंस मॉर्निंग आपका जो सनराइज का टाइम पे सिर में एक दर्द हो जाता था, और ये जो दर्द शाम तक को जो अगर लेफ्ट साइड पे शुरू हो जाएगा तो सनसेट का टाइम पे वो राइट साइड पहुंच जाता था। तो हमें मालूम हो गया कि ये कुछ तो तकलीफ है, माइग्रेन है, तो हमारा जो लोकल गार्डियन, वो जो डॉक्टर थे,
उनका पास चला गया था, वो भी बहुत पुराना जमाने का डॉक्टर थे। उन्होंने बोला देखो ये चीज तुमको जो हो रहा है उसको एलोपैथी पे मेडिसिन तो है ही नहीं, हमें खुद को ये माइग्रेन हो रहा था, तो हमें हमारा जमाने में हमारा गांव का जो कुछ दवाई मिला था उस पर हम ठीक हुए, ठीक हो गए। ओके, तुम्हारे लिए मेरा पास कुछ दवा तो है ही नहीं, एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, ये जो सन का जो रोटेशन पे तुमको ये जो माइग्रेन चल रहा है तो तुम सूर्य नमस्कार करो। तो वो जमाने में वो जो डॉक्टर ने हमें एक सूर्य नमस्कार का एक आदत डलवा दिया। आप मानेंगे नहीं, हमने सूर्य नमस्कार शुरू किया, भले हम वो जमाने में क्या कुछ 20-10 का 2-3 सेट बनाते थे, तो वो जो सूर्य नमस्कार से हमारा ये माइग्रेन दूर हो गया। ये तो सरप्राइजिंग का बात है, लेकिन एक बात 100% दोस्तों, जो आयुर्वेद में, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में, जो योगों में, जो पुराणों में, जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके पीछे पक्की एक रिसर्च है, जो हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है उसके अंदर हर चीज का एक रीजनिंग दी हुई है, और जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो घर पे करते हैं, जैसे तुलसी खाते हैं या पूजा करते हैं, उनका एक रीजन है। और जैसा नवीन भाई ने बताया है कि इनका माइग्रेन है, वो सूर्य नमस्कार, वो जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया और आपने किया और ठीक हो गया, ये अपने आप में एक जीवन प्रूफ है। 100% शायद उन जो सूर्य नमस्कार आज भी हमारा शरीर के अंदर इतना घुस गए, हमारे ये जो टीम है हर हफ्ता हर सोमवार का दिन 108 सूर्य नमस्कार हम लोग 108 हर मंडे को नवीन भाई की जो टीम है रनिंग का, जो इनका ग्रुप है, वो 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। और इसी का सबूत है, अभी आप पूछिएगा मत इनकी उम्र कितनी है, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। तो नवीन भाई ये हुआ आपका कॉलेज, हुआ कॉलेज में आप खेल रहे थे और उसके बाद में आप वहाँ से इंजीनियरिंग करके बॉम्बे पहुँचे जॉब करने के लिए 1986 में पहुँचे, आज के ऑलमोस्ट 34-35 साल पहले से आप बॉम्बे आए, मैंगलोर के पास एक छोटे से गांव का लड़का, और इंजीनियरिंग किया, फिर आप इतने बड़े शहर में आए जॉब करने के लिए। तो फिर यहाँ आपने, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने कुछ समय जॉब किया, उसके बाद में आपने खुद की अपनी एक आईटी की कंपनी खोली, फिर एक आपने दूसरी कंपनी खोली, फिर आपने लोगों को जॉब देना शुरू किया, तो 23 साल की उम्र से लेके फिर एक बहुत लंबा टाइम तक आपने कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा सबको बताएं। देखिए मुंबई एक ऐसा शहर है कि वो किसी को भी आकर्षित करता है, हमें धारवाड़ से, भले वो कर्नाटक का पे था और बैंगलोर एक सिटी था, लेकिन हम धारवाड़ पे जो हमारा कॉलेज मेट्स थे वो लोग अलग अलग शहर से, वो दिल्ली बोलो, चंडीगढ़ बोलो, मुंबई बोलो, तो हमने वहाँ पे एक एसोसिएशन बनाया, एक रिलेशनशिप बनाया, फ्रेंडशिप बनाया। तो इंजीनियर ख़त्म होते होते हमारे पास वो नसीब नहीं मिला था कि हम फौज पे भर्ती होना हो सके। जेन्युइनली हमने एप्लीकेशन डाला था, हमको फॉर्म भी आ गया, लेकिन हमारा जो हमारा गॉडफादर थे, हम उनका एक राय लेने को चला गया था मैंगलोर पे, उन्होंने वो एक लॉयर थे, वो वक्त बताया कि तुम्हारा पास एजुकेशन है तो ये एजुकेशन पे तुमको दूसरा जो जॉब करने का शायद उन्होंने एडवाइस किया। तो हमने वो फौज पे जाना, हमारे वो जो एक सोच उधर ही खत्म हो गया था, लेकिन हम वो आशा, देश का सेवा करना, तो आशा तो हम कभी नहीं छोड़। तो पहला 2 साल हम यहाँ पे नौकरी तो किए, ओके, और नौकरी करके हमको लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, क्योंकि हाथ में तो खाली हाथ में मुंबई आए थे, हमारे पास वो जो छोटा सा बैग लेके इधर मुंबई आए तो खाली हाथ जाएगा तो भी कुछ नुकसान तो है ही नहीं है। तो हमने इधर एंटरप्राइजिंग का शुरू तो किया, एज एन एंटरप्रेनर दोस्त लोगों को मिला के हमने एक कंपनी चालू किया, एंड इन दैट अर्ली 90s हम ये जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब देश में कंप्यूटर आ रहा था उस समय आप सबसे आगे वाले लाइन में खड़े थे और हमने वो काम शुरू किया। हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप, हमारा कंपनी ने डेवलप किया,
और डेफिनेटली काफी कंपनीज को हम लोग ने फर्स्ट लेवल ऑफ कंप्यूटराइजेशन करने में मदद कर दिया। वाओ, ग्रेट ग्रेट। हमें वो बहुत खुशी तो का देश की जो आईटी रिवॉल्यूशन है उसमें जो सबसे आगे वाले सोल्जर जो लड़ रहे थे, काम कर रहे थे, उनमें से आप एक हैं। सैल्यूट नवीन भाई। हम एक छोटा सोल्जर था बट नहीं, डेफिनेटली हमें जो मौका मिला था वो मौका को यूज करके हम लोग ने, तो वो वक्त हमारा इंटरेक्शन इंडियन नेवी के साथ हुआ था। ओके। इनफैक्ट ऐसा एक जमाना था कुछ 4-5 साल हम लोग ने इंडियन नेवी का हर एक शिप, हर एक सबमरीन से लेके हर एक बेस का कंप्यूटर्स को मेंटेन करते थे हम लोग। ओके। वो बहुत गर्व की बात है। और भले हमारा जो सपना था फौज पे जाने का, लेकिन हमें फौज का बहुत दोस्त पाए, बहुत पाए और आपने फौज के लिए काम भी किया है। सैल्यूट टू नवीन भाई। तो आपकी जो कंपनी थी, जो दोनों कंपनियां, कितनी बड़ी हुई, कितने लोगों को आपने जॉब दिया? वो जो पहले का जो कंपनी था, बाद में हम लोग ने 2007 पे हम लोग सेपरेट हो गए, तो वो टाइम पे जो जितना भी इंजीनियर्स उस पे काम करते थे वो लोग वो कंपनी को आगे चलाने के लिए लेके गए। और 1998 पे हम लोग ने एक नया सॉफ्टवेयर का कंपनी बनाया, वो इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर का बेसिस पे हम लोग ने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने के एक नया चैलेंज शुरू किया था। और हम लोग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वो प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं वो रिसर्च पे यूज़ होते हैं, डिफेंस पे, रिसर्च पे, क्वालिटी कंट्रोल पे यूज होते हैं। उसको जनरली एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, लाइफ साइंस है, ये इंडस्ट्री पे वो लोग यूज करते हैं। ग्रेट नवीन भाई। तो ये जो आपकी जर्नी चल रही थी कॉरपोरेट लाइफ में, उससे पहले आप दौड़ने भागने वाला एक आदमी, हर गेम खेलने वाला, तो जब कॉरपोरेट लाइफ में जब आप बॉम्बे पहुंचे 23 साल की उम्र में, और फिर जब तक आप ऑलमोस्ट 2007-8-9 तक तो लगातार काम करते रहे, उस दौरान शायद आपकी हेल्थ को कुछ इशू हुआ कि आप रेगुलर नहीं रह पाए, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा था, नई कंपनी, नए एम्प्लॉई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, ट्रेवल कर रहे हो, तो उस दौरान मतलब आपको कैसा लगा जब आप बिल्कुल एक्सरसाइज बंद हो गई, तो बॉडी को एज ए खिलाड़ी, खेलने वाला, दौड़ने वाला आदमी, उसको क्या क्या आपको अनुभव थे जिससे आपको एक स्टेज पर आके आपको लगा कि नहीं मतलब मुझे वापस कुछ चीज़ की कमी हो रही है, मुझे वापस वहीं कहीं जाना है? ये 100% ये जो 23 ईयर्स से लेके 46 ईयर्स या 47 ईयर्स तक का जो जर्नी है, ओके, शायद भले हम आपका या खुद का जो हेल्थ कंडीशन अच्छा था, तो ये जो 24 ईयर्स से भले हमारा लाइफस्टाइल बुरा है फिर भी वो जो पिछले जो फाउंडेशन का कारण शायद 24 साल तक चल गया। भले हमको डॉक्टर लोगों का दर्शन भी हो रहा था बीच बीच में, क्योंकि आप ये जो लाइफस्टाइल पे 100% आपका एक सहारा तो डॉक्टर बन जाता है। आपको दूसरा चारा ही नहीं है। और मोटापा, डाइट, लेट नाइट से हर एक चीज पे इन्होंने आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और आप ये जो शरीर को आप अब्यूज करते जाते हैं, आपको रियलाइज नहीं होते वो जो जवानी है, आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप सोचते कि जवानी पे तो कुछ भी करो और आप उस पे टेर जाओगे, वो बात सही नहीं है। ये जो 2007 एक हम दोस्तों, मैं बीच में नवीन भाई को रोक रहा हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही अभी कि जब आदमी जवान होता है और वो कोई जॉब या कोई प्रोफेशन कर रहा होता है, कंपनी चला रहा होता है, तो उसको ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला उसको, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। शरीर एक स्टेज के बाद में आपको वार्निंग साइन देना शुरू करता है, फिर अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर डॉक्टर्स के पास जाने की नौबत आनी पड़ती है, और फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो कभी कभार बीच में इतने बड़े हादसे भी होते हैं जिनमें जान भी जा सकती है। इंडिविजुअल की जान चली जाए तो वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके पीछे परिवार है, बच्चे हैं, मदर फादर हैं, यार दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा उसका एक सर्किल होता है, हर आदमी अफेक्ट होता है। जो नवीन भाई ने बताया है कि 23 साल की उम्र में बॉम्बे पहुँचे और जब काम करना शुरू किया तो सिर्फ काम काम काम, कंपनी, नए लोग, नए प्रोजेक्ट, सब कुछ, 46-47 तक आते आते इनको खुद को एहसास हुआ, जैसे बताया इन्होंने, कि डॉक्टर्स के पास बीच बीच में जाना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने एक पॉज लिया। नवीन भाई, तो फिर अचानक आपको क्या एहसास हुआ कि नहीं बस
आई विल नॉट कंटिन्यू दिस, ये मुझे अभी नहीं करना है, मैं कुछ वो करता हूँ जो मुझे पहले करने में जिसमें मुझे मजा आता था। तो ये आपने कैसे, क्या क्या हुआ, कोई ना कोई ऐसी चीज तो ट्रिगर हुई होगी जिसने आपको बिल्कुल ही वापस, क्योंकि ये जो 23 तक हम सोचते थे हम बच्चे हैं, बचपना 23 से ये जो 46-47 वो जो अगला 23 ईयर्स है वो हमें जवानी से बुढ़ापे पे लेके जाता है, हमें याद, हमें डेफिनेटली एहसास होगा कि ये मुझे बुढ़ापे पे लेके जा रहा है। तो 47 ईयर्स पे हम सोचा कि क्यों ना शुरू करें, एटलीस्ट एक जिम पे तो जाओ, स्टार्ट तो करो, तो हमने एक्चुअली उसका एक साल पहले एक बार जिम ज्वाइन भी किया था, फीस भी भरा था। अब मानेंगे नहीं, एक साल का फीस भर गया लेकिन पूरा 30 दिन भी हम नहीं गए, क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल जो है वो इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है आपको, जो सुबह उठ के एक जिम पे जाने का मन बिल्कुल नहीं कर, भले आपने पैसा पे किया, पे कर दिया, फिर भी नहीं जा, फिर भी नहीं जा सकते। तो 47 पे जब ही मैंने सेकेंड टाइम जिम को ज्वाइन किया, हमारा शायद जो चेंज होना चाहिए था, तो वहाँ पे ऐसा संगति मिल गए जो रोज आ रहे थे, और रेगुलर आने वाला का आपको दोस्ती हो जाता है, तो सुबह का दोस्ती भी बहुत मजेदार होता है, शाम का दोस्त के ऊपर ही हम 23 साल जी रहे थे। सडनली हमको सुबह का जो दोस्त लोग का भी एक आनंद मिलना शुरू हो गया, भले वहाँ पे जो शाम का जो जो आप बोल रहे हैं जो कंपनी में जो आपको नशा मिलता था मिलता। वो नशा यहाँ पे कम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही आनंद नशा आनंद, आप बोलो यू नो वो जो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं वो केमिकल्स, अच्छे केमिकल्स रिलीज होके हमको ये जो स्लोली ये जो जिम करने के एडिक्शन बन गया। दोस्तों इन्होंने एक बात बोली कि आपकी जिंदगी में आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा इन्होंने बताया कि ये सुबह जिम में जाते थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से मिले जो पंचुअल थे, जो कंसिस्टेंटली जिम आ रहे थे, जो रेगुलर थे, डिसिप्लिन थे, और एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंट आदमी की संगति में अगर आपकी उससे दोस्ती यारी या आपका उनके साथ कुछ होता है रिश्ता, तो आपके अंदर भी उनकी अच्छी आदतें आना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो सर्किल है, आपकी जो यार दोस्त जो भी आपके आसपास हैं, वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए, वो डिसिप्लिन लोग होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो आपको बेटर करने के लिए पुश करें। नवीन भाई ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आपका जो नया सर्किल, नया ग्रुप बना वो कंसिस्टेंट था, डिसिप्लिन था, तो उसकी वजह से आपको मजा आने लगा जिम जाने में 100%, और आपका एक नई डायरेक्शन, आपका एक नया ग्रुप बन गया 100%। ऑल ऑफ अ सडन भले वो जिम पे जाते थे, एक तरीका का सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन करने के एक शौक आना लगा, तो आपको परफॉर्मेंस दिन से दिन बढ़ता है, भले आपको उम्र 46 है या 47 का नजदीक है, लेकिन आपको लग रहा था कि आप एज पीछे जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, वापस जवान हो रहे हैं, वापस जवान हो रहे हैं, मानेंगे नहीं, ट्रू फैक्ट है, लाइक आई मीन आपका पर्सनैलिटी पे एक चेंजेस आ जाते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत खुशी मिल जाता था। ये एक टाइम था कि हम जो जिम जाता था, अभी भी मेरे को याद है लीना मोगरेकर की, वो बहुत फेमस जिम ये शिवाजी पार्क पे था, तो वहाँ पे थ्रेडमिल पे काफ़ी लोग रन करते, हम तो कभी भी वापस हमारा रनिंग का तो वो जो बस का 5 पैसा बचाने का सिलसिले का बाद हमारा रनिंग तो बंद हो गया था, तो हम उधर रन करने का टाइम एक महाशय थे, वो बोल रहे थे हम तो मैराथन करके आ गए, तो हमको तो मैराथन के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, भले वो इंसान ने बोला कि बहुत मेहनत करना पड़ता है मैराथन भरने के लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है मेहनत करके अगर कर सकते तो हम भी करेंगे। तो हमने पहला बात है कि सीधा का सीधा 2009 का जो मुंबई मैराथन है उसमें हम लोग ने हाफ मैराथन को रजिस्टर कर दिया, सो वहां से हम प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है, वो कुछ या मार्गदर्शन तो था ही नहीं वहाँ टाइम पे, तो ट्रेनर नहीं था, उसका एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हमारे हिसाब से जैसा दौड़ सकते थे हमने प्रैक्टिस शुरू किया। और ये जो पहला मैराथन ना कुछ जनवरी का 3rd Sunday होता है, उससे 3 Sunday पहला हमारा ये जो अखिल स्टैंड पे मौज आ गए,
बहुत आशा रख के पहले मैराथन भागने का इच्छा रखा था, लेकिन हम बोले कि भागना तो है, फिर भी डॉक्टर से एक सलाह लेना जरूरत है। तो हम डॉक्टर का पास गए, तो जो डॉक्टर यहाँ पे नजदीक है हिंदुजा हॉस्पिटल का डॉक्टर थे, उन्होंने बोला यार तेरे को भागने का जरूरत है। बोला कि बहुत जरूरत है, फिर ये सोचा कि ये करने का तो करने का ये ज्यादा से ज्यादा दर्द हो जाए, दर्द हो। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है तुम एक काम कर लो, क्रैप बैंडेज डाल के तुम रनिंग करो। तो हमने डॉक्टर का एडवाइस तो ले लिया और हमने पहला मैराथन ऐसा क्रैप बैंडेज में हाफ मैराथन ग्रेट। तो ये शुरुआत हुई 47 की उम्र में, मतलब 24-23 साल का गैप, और उसके बाद में नवीन ने दोबारा वापस ट्रैक में जूते और दौड़ना शुरू किया। और दोस्तों उसके बाद में ये आदमी रुका नहीं, उसके बाद में मैं आपको अभी मैं इन्हीं से पूछूंगा, इन्होंने अभी इनका 60वां जन्मदिन मनाया गया था और मैं खुशकिस्मत लोगों में था, मैं भी गया था उसमें, और इनका जन्मदिन बहुत ही स्पेशल ढंग से मनाया गया जिसका सेलिब्रेशन सभी लोगों ने रन करके किया, पूरी टीम ने, पूरे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी जो और बॉम्बे में सारे जो रनर्स थे वो सब लोग आए। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक चीज़ की, ये 60 साल के होने वाले थे तो इन्होंने 60 दिन पहले इन्होंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ। नवीन भाई ये इसके पीछे क्या कहानी है? मेजर साहब, जो भी चीज आप करके बता देंगे तो लोग आपको बिलीव करेंगे। आप मार्गदर्शन तो दे सकता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, लेकिन 60 इयर्स पे अगर रोज आप 10 किलोमीटर भाग सकते हैं, रोज का 700 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, तो मेरा जैसा 10 करोड़ दैट इज 100 मिलियन लोग हैं जो 60 को ऊपर की उम्र पे है देश में, देश पे। लेकिन वो लोग को जब मैंने करके दिखाया उस पे भले 0.001% भी उसको पॉजिटिवली लेंगे कि हम नवीन ने 10 किलोमीटर किया, हम 2 किलोमीटर करेंगे रोज का, वो भी काफी है। हम सोचा कि ये करके दिखाएगा तो शायद कोई ना कोई तो उसको फॉलो करेगा। वो हमारा इच्छा था। दोस्तों आगे मैं इस कहानी को लेके जाता हूँ। नवीन भाई दौड़ रहे हैं, बहुत मैराथन दौड़ी इन्होंने, हाफ मैराथन, मैराथन, अल्ट्रा मैराथन। उसके बाद में इन्होंने बॉम्बे में मुंबई अल्ट्रा मैराथन का फाउंडेशन किया, इन्होंने वो एक रेस स्टार्ट की, उसके बारे में आप बताएं। ये जो 2009 का जो पहला हाफ मैराथन रन करने के बाद हम तो मैराथन एक शौक बन गए, एक पैशन बन गए। जितना भी मैराथन कहाँ भी होता है तो हम उस पर रजिस्टर करते थे, हम जाते थे, वो मेडल लेना भी एक खुशी का आनंद है, क्योंकि आप एथलेट तो नहीं थे, ओके, वापस आप दोबारा ट्रैक पे आ गए, तो मेडल लेना, देखो मैराथन ऐसी एक चीज है कि इसमें उम्र का कुछ खाली, आपको वो जो डिस्टेंस कंप्लीट करना, कोई पूछता नहीं कि तुमने कितने देर कंप्लीट किया है, पार्टिसिपेशन कंप्लीशन बहुत बड़ी चीज है। और मैराथन ऐसा एक रन है, ऐसा एक इवेंट है, हर एक जो पार्टिसिपेंट है उसका जो पॉजिटिविटी का कारण उसको कंप्लीट होके एक मेडल मिलता है, वो भी एक विनर बनता है। तो हमें ये जो खुशी मिलना शुरू हो गया तो हम लगा कि हम ये खुशी सबको बांटना चाहिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि समाज पे अभी हम शिवाजी पार्क पे रनिंग को जाते हैं तो हम ऐसा रन करते हैं कि हमारा पोस्चर सही रख के रन करते हैं, जो वहाँ बैठा है ओके, वो हमें देख के उसको टेम्प्ट हो जावे कि मैं भी खुद भाग जाऊँ। हम भागने का टाइम कोई भी चलता है तो हम बोलते हैं भैया एक 200 मीटर हमारे साथ रन कर, देखो आनंद आ जाता है तो तुम उसको कंटिन्यू करो। ये चीज पे हम लोग मोटिवेट करना शुरू कर दिया तो काफी लोग उसको पॉजिटिवली लेके, जो वॉकर था वो रनिंग शुरू किया, जो बैठते थे पाए वो वॉक करना शुरू कर दिया। तो हम सोचे कि हमारा दोस्त है प्रणव मेहता, ओके, वो बोले कि हम एक अल्ट्रा रन शुरू करें शिवाजी पार्क से,
सुबह का 5 बजे शुरू करने का, ये 5 बजे से लेके 5 बजे तक रन करने के एक इवेंट बना लेंगे। सो लोगों को 12 घंटा भागने का देख के जो बैठा है वो भी सोचे कि मैं भी 12 मिनट तक भाग। हमारा एक ही लाइन था, वेलनेस और इलनेस, क्योंकि ये जो रनिंग शुरू करके ये जो 5 साल पे हमारा जो डॉक्टर दोस्त बन गए, लेकिन डॉक्टर का जो दर्शन ना वो कम हो गया। तो हमको गारंटी हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी रोज करने में 100% आपका शरीर बेहतर बनते जा सकता है। तो ये जो मुंबई अल्ट्रा जो हमने शुरू किया था, हमने तो पैशन का जरिए शुरू किया। दोस्तों मुंबई अल्ट्रा मतलब 12 घंटे लगातार दौड़ने वाले रेस का नाम है, मतलब सुबह 5 से लेके शाम को 5 बजे तक लगातार दौड़ना है। शिवाजी पार्क से लेके वर्ली तक लगातार दिन में जाना आना। ग्रेट, तो फिर ये स्टार्ट किया आपने? ये जो रन शुरू किया तो पहला फर्स्ट एपिसोड जो था उस पे कुछ 275 रनर्स आए थे। 275 रनर्स एज एन एम्बेसिडर आके 12 घंटा भागने का जो चैलेंज लेना वो फौज से कम नहीं है। बिल्कुल, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते, आप मेजर सब सामने बैठे हैं, फिर भी वो दे आर सोल्जर्स। उन्होंने एक ही मकसद पे आया था कि हम लोगों को दिखा देंगे कि 12 आवर्स रन कर सकते हैं, तो आप भी 12 मिनट रन कर सकते हैं। 12 मिनट। और ये जो रन का और एक विशेषता कि हम लोग ने चार्ज नहीं करते थे, लेकिन उनको सुबह से लेके शाम तक ऐसा भी बात हो रहा था कि कुछ रनर बोलते थे हमको मेहमान नवासी, बोलते कि हमारा जो मदर इन लॉ जो ट्रीट करते थे वो तरीके से ये जो मुंबई अल्ट्रा टीम ने हम लोग को ट्रीट किया। ओके, सो मेरा कहने का मतलब है कि जो रनर है उसको एक इवेंट जाता है तो जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग रनर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उसका पानी का और जो जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मेडिकल केयर, फिजियोथेरेपी, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। साफ सफाई, स्वच्छ भारत चल रहा है, कहीं गंदगी ना करें लोग, खाना पी के हर कहीं नहीं डाल दें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और एक ऑर्गेनाइजर के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं उनको तो अगली साल वो जो आपने एक मिशन स्टार्ट किया वो इतने लोगों में और भी फैलने वाला है। नवीन भाई, इस एक चीज़ और पूछना है दोस्तों, जब ये मुंबई अल्ट्रा कर रहे थे अचानक उसमें ऐसा कुछ हुआ कि नवीन भाई ने सोचा कि मुंबई जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनके इलाज के लिए, जो गरीब बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज परिवारों से आए हुए हैं देश के विभिन्न कोनों से, उनके इलाज को कैसे करवाया जाए, तो उसके लिए इन्होंने मुंबई अल्ट्रा में एक प्रावधान किया। तो इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही टची सब्जेक्ट है, बहुत दिल के बहुत करीब है एज ए डॉक्टर, एज ए इंडियन सिटीजन, क्योंकि देश इतना बड़ा है, गरीबी भी है, लेकिन उन लोगों का इलाज भी, उनका भी हक बनता है। और जो आपकी टीम ने ऑलमोस्ट इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किए हैं और सारे रनर्स ने मिल के, ये एक बहुत ही बड़ी इंस्पायरिंग अपने आप में एक स्टोरी है, थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो हम लोग ने मुंबई अल्ट्रा 2014 पे शुरू किए थे और उसका जो कामयाबी है वो उस पर 2015 को भी हम लोग ने रन वही हिसाब से हम लोग ने किया कि देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस, यू नो लाइक आई मीन हर एक रनर खाली रजिस्टर करने का, उसका जो क्रेडिबिलिटी प्रूव करने का कि वो 12 आवर्स रन कर सकता है। वैसे हम लोग 2014, 2015 और 2016 पे सेम वही सिलसिले पे हम लोग ने कंटिन्यू किया, लेकिन ये जो 12 आवर्स का जो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का मेथड को देख के रनर्स बोले कि ऐसा नहीं कर सकते। जो भी रन आप लोग खर्चा करते हैं, हम लोग रन करते हैं, हम लोग को पूरा खुशी मिलती है, लेकिन आप एक पैसा भी नहीं लेते हैं, वैसे नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग नॉन कमर्शियल लोग थे, हमको पैसा तो कर लेने का तो इच्छा फिर भी था। फिर भी आप उनके लिए मेडल, टी शर्ट, फ्रूट्स, वॉलंटियर्स, पानी, एम्बुलेंस, पुलिस परमिशन, स्टेडियम, सफाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो सही बोल रहे थे कि उतना तो एक बेसिक तो इतना तो होना चाहिए कि आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप जो मिशन स्टार्ट कर रखा आपने, इतना पेन ले रहे हो और आप अपनी नींदें खराब कर रहे हो, तो कम से कम आप लोगों के घर से तो ना लगे। उनका सही था इशू। और फिर आपने इसको तो हम लोग ने 2017 का जो इवेंट आने का टाइम, हमने सोच रहा था कि अगर ये रनर को
पैसा देने का इच्छा है तो कहाँ देवे, कहाँ दे। तो हम ढूंढ रहे थे, तो हम एक ही जगह पे जाके पहुंच गए। हमारे एक दोस्त टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे काम करते, हम उनसे बात किया तो बोले यार तुम कहाँ क्यों ढूंढने का है, जो भी पैसा है टाटा मेमोरियल जैसे एक इंस्टीट्यूट है तो उससे ज्यादा तो तुम देने का जरूरत ही नहीं। तो हम लोग को जो इम्पैक्ट फाउंडेशन के ऊपर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऊपर हर एक रनर को हम लोग ने चेक बनाया, वहाँ से जो हमारा एसोसिएशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का साथ ये जो रनर का कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो भी बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है, वो जो आपने बता दिया कि हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि लाइक आई मीन हमारा जो जितना भी रनर्स थे वो लोग सामने आके वो कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो जो फंड्स बच्चों रोज का आ रहे हैं, हम किसी से पूछने का जरूरत नहीं, जो जिसका मन है इतना वो करो। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा ये जो इंसिडेंट बताना पसंद करता हूँ, आज बताना पसंद करता हूँ। ये जो 2017 का जब इवेंट हो रहा था तो हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ था, क्योंकि हम लोग ये रन पे 300-400 से ज्यादा लोगों को नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि 12 आवर्स 100 फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स 7 एम्बुलेंसेस रखने का बावजूद भी इंजरी एक एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो इवेंट का पूरा नाम खराब हो जाएगा। बराबर, तो हम बहुत 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 चूजी हैं एज फार एज डिसाइडिंग ऑन हु इज गोइंग टू रन। तो हमें एक लड़की का फोन आता है शाम को 7 बजे, वो बोलता है सर हमें रन पे पार्टिसिपेट करने का है। हम बोलते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, ओके आप ये साल नहीं कर सकते, अगला साल आप रन करो। तो ये लड़की बोलती है, नहीं जिद करती है कि हमें रन करना ही। तो हमें भी एक छोटा सा लालच आ जाता है, इंसान है हम भी। तो हम बोला कि ठीक है आप एक काम करो, कल आप एक 5,000 रुपये का चेक लेके आ जाओ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम पे, ओके हम आपको रन करने को बिप दे देंगे, क्योंकि बिप का अगले दिन बिप डिस्ट्रीब्यूशन था और रन 15 अगस्त है हमारा, वो इंडिपेंडेंस डे का रन है, वो खुला भागो 12 घंटा भागो सर। तो आप मानेंगे नहीं मेजर सब, ये लड़की आती है 4 बजे चेक लेके आती है 50,000 का। ग्रेट, वो बोलते हैं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम आपने ले लिया तो हमने तो रिकमेंड, वहाँ तो हम एक साल पूरा गुजर चुके हैं हमारा पति का सेवा, ओ उनके पति का इलाज इलाज वहाँ हो गया। बोला कि वो हॉस्पिटल को आप कुछ भी बोलो, अगर 0 ऐड करने को बोलो हम ऐड करें, ऐड कर देंगे। वाओ ग्रेट स्टोरी, ये तो जो हमारा जो सिटीजन का प्यार है। देखिए हम रनिंग से शुरू किए, वो कहाँ पहुँचते हैं हमको हमें नहीं पता, हमें नहीं पता जब हम कोई मिशन शुरू करते हैं और जिंदगी में उस रास्ते में हमें कैसे कैसे अच्छे लोग मिलते जाते हैं और वो मिशन कहाँ से शुरू होके कितने बड़े लेवल पे जाता है, ये कई बार हमें भी नहीं पता होता है। आई एम सो हैप्पी दैट ये आप जो कर रहे हैं, दिल से सैल्यूट आपको और आपकी पूरे टीम को और जितने जो रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इंक्लूडिंग नॉट ओनली रनर्स लेकिन जितने वॉलंटियर्स और जितने डॉक्टर्स, जितने फिजियोथेरेपिस्ट, जितने पुलिस वाले, इवन ग्राउंड के जो सफाई वाले जो स्टाफ है, उन सबको सैल्यूट है, क्योंकि इतनी बड़ी एक इवेंट खड़े करने में इतने सारे लोगों का योगदान होता है। Absolutely. और आप लोगों की फैमिली का भी, क्योंकि जब इवेंट होती है तो कम से कम 1-2 वीक मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो 12 आवर्स का जो रन करने का पीछे अगर आप पर्सनली पूछेगा तो शायद हम इतना एक्सरसाइज करते हैं और शायद वो पॉजिटिविटी इतना हाई लेवल है, हम 36 आवर्स नॉन स्टॉप ग्राउंड पे रहते हैं 36 आवर्स। ये एक्चुअली ये जो उम्र कुछ भी होने दो, अगर आपका पॉजिटिविटी है, आपका फिटनेस लेवल है तो एज इज जस्ट नंबर। इनका कहना है उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, अगर आप पॉजिटिव हो लेकिन साथ में फिट भी हो तो फिर उम्र एक सिर्फ आंकड़ा है, एक नंबर है, कोई मैटर नहीं करता। आप एक चीज बताने वाले थे अभी, हाँ ये बहुत जरूरत है, जिस लड़की का नाम तो मैं नहीं बता देगा, उस लड़की ने वो रन 12 आवर्स कंप्लीट किया, उसने 12 आवर्स कंप्लीट किया। 2 साल का बाद उसका जो पति है जिसका ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे हुआ था, वो इंसान ने 12 आवर्स रन करके 84 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 84 किलोमीटर, वाओ दैट्स
जो आदमी कैंसर से बाहर आके 12 आवर्स का रन पे पार्टिसिपेट करके 84 किलोमीटर वो जो 12 आवर्स पे रन किया है, ये बात पूरी दुनिया सुनना चाहिए, क्योंकि इट्स सच ए इंस्पायरिंग थिंग। दोस्तों, कुछ समझ में आया कि ये कहानी अपने आप में, मैं चाहूंगा नवीन भाई कि मैं उन दोनों को यहाँ पे लाके, फिट भारत पे लाके पूरे देश से मैं उनको रूबरू कराऊं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आफ्टर दिस इंटरव्यू मैं नवीन भाई से उनके कॉन्टेक्ट लेने की कोशिश करूंगा। कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक लड़की जीत करती है कि मुझे 12 आवर रन दौड़ना है, ये मना करते हैं फिर भी जीत करती है, ये कहते हैं कि अगर आना है, लास्ट डे है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, फिर भी आप 5,000 का चेक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को दे दीजिए। वो आती है 50,000 का चेक लेके आती है, और ये कहती है कि 10 और भी लगा सकती हूँ, और पूछते हैं क्यों, वो कहती है इसी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का 1 साल लगातार कैंसर का इलाज हुआ है। वो लड़की ये रेस दौड़ती है 12 घंटे, और ठीक 2 साल बाद में उस लड़की का हस्बैंड इसी रेस में दौड़ता है कैंसर से ठीक होके, और 12 घंटे में 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर नॉनस्टॉप वो बंदा दौड़ता है। ये कहानी उन लोगों की कहानियां हैं जो लोग नेवर गिव अप एंड दे आर स्टैंडिंग फॉर द कोज, जो मिशन है उसके लिए खड़े होने वाले लोगों की कहानियां है। नवीन भाई, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है, सैल्यूट टू यू। मतलब आप लोगों ने ये लोग खड़े किए आपने बॉम्बे में, और ऐसे लोग जब ये कहानी लोगों तक जाएगी तो शायद देश में और भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो खड़े होंगे। और नवीन भाई, मैं एक्चुअली और भी दो नाम बोलना पसंद करता हूं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये जो कहानी सुनते हैं तो हमको रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। ओके, हम ऐसे एक शख्सियत के बारे में बताना चाहते हैं जो 12 आवर रन कंप्लीट किया, उनका नाम है डॉक्टर रमन, फ्लिप रमनी करके उनको बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ओल्डेस्ट डॉक्टर, वो स्टिल डूइंग अ फुल मैराथन। ही एट द एज ऑफ 80 ये जो डॉक्टर रमनी ने हमारा 12 आवर का रन कंप्लीट किया है। ही इज द मोस्ट फेमस डॉक्टर नोन फॉर हिज टेक्निक ऑफ ये जो आपका जो फ्लिप बोलते हैं ना, ये जो L1 L4 का जो भी सर्जरी पे, ये बहुत बहुत मायने है। एंड ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन हु रन द 12 आवर्स, एंड एज फार एज द वुमेन्स कैटेगरी इज कंसर्न, द वन हु डिड अ 12 आवर वाज उषा सोमन, उन्होंने भी 12 आवर्स जो मिलिंद सोमन जी की मदर है, उन्होंने भी 12 आवर्स का इवेंट पे पार्टिसिपेट किया था। सो 80 साल की उम्र है डॉक्टर साहब रमानी की, और वो बड़े सर्जन हैं, मैं खुद मिला हूँ एक बार उनसे, और अभी भी भागते हैं, फुल मैराथन भागते हैं, लेकिन 12 घंटे 80 साल का बंदा 12 घंटे। आप लोगों के साथ या मेरे साथ या और किसी के पास क्या एक्सक्यूज़ है दोस्तों कि मैं दौड़ नहीं सकता, मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकती, आज ये हो गया, आज मैं बिजी हो गया, क्या क्या बहाने हैं मतलब। और ये बहाने सिर्फ बहाने बनाने के लिए हैं, जब 80 साल का आदमी 12 घंटे से 5 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे नहीं, 12 घंटे लगातार, और जो उषा सोमन जी हैं वो भी 12 घंटे, सी इज आल्सो 70 साल से तो ऊपर गई हैं वो, उनका 70 है, जब भी उन्होंने किया था उनको उम्र था 77 ईयर वो। तो दोस्तों, ये कहानियां हमारे आसपास हैं, हमारे आजू बाजू में हैं, बस आपको ये डिसाइड करना होता है कि जिंदगी में जब सोच लिया है तो फिर उसके ऊपर काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। नवीन भाई, ये तो चल ही रहा था, और अभी मुझे मालूम चला है कि आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो कैंसर वाले जो बच्चे हैं उनके इलाज के लिए आप 1500 यूनिट का ब्लड डोनेशन पहले भी करवाया है और अभी भी आप करवाने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो 2020 ऐसे एक समय था कि हमारा जो रन हम लोग ने अनाउंस किया था, लेकिन हम लोग रन नहीं करते, कोविड हो गया तो पूरा देश बंद हो गया था, तो देश बंद हो जाएगा और लोगों का जो डर है इस लेवल तक पहुंच गया, जो अच्छे से अच्छे डोनर थे वो भी हॉस्पिटल जाना डर गए, उनको डर नहीं लगता था, क्योंकि एक डोनर है, एक गिवर है, उसको डर नहीं लगता है, लेकिन वो एक ऐसा माहौल पे रहता है, उसका फैमिली रहता है, तो उसको काफी पाबंदी आ जाती है, पाबंदी। ओके, और ये ऐसा समय हो गया था कि हर एक ब्लड बैंक पे ब्लड नहीं है,
नहीं था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे ब्लड का तो बहुत जरूरत है, जो भी कैंसर पेशेंट से उनको समय पर आप ब्लड इन्फ्यूज नहीं करेगा तो वो लोग डेथ हो जाएगा। ट्रीटमेंट अलग बात, अलग बात, बट ये जो बेसिक चीजें, ये जो खून है कहाँ भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता, कौन सी भी फैक्ट्री पे भी नहीं मिलता है, तो ये तो खाली डोनेशन का जरिया आता है। और भगवान ने ऐसा चीज हर इंसान को दे दिया है कि वो बोलता है कि मैं भिखारी हूँ, एक्चुअली वो भिखारी नहीं, उसके पास ऐसा चीज है वो जो डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्टर बनावाली है वहाँ का डायरेक्टर, उन्होंने बोला अगस्त 15 तारीख को अगर आपका रन नहीं होता है तो हमको ब्लड डोनेशन, फिर जितना भी यूनिट आ जाता है आपको कलेक्ट कर। सो हमने वो जो अगस्त 15 को एनीवे रन तो नहीं होता था, लोगों को डर था, तो हमने एक ऐसा एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जो कोविड का पूरा नियम को मानते हुए हम लोग ने उधर पूरा स्पेसिंग अरेंज करके पहला हमारा वो जो ब्लड डोनेशन का हमने सोचा ही नहीं था कि वो इवेंट हम लोग ने कर दिया। और वो इवेंट बहुत बड़ा सक्सेस हो गया था। और लोग जो डरते थे वो लोग डर से बाहर आके वो लोग ने डोनेशन कर दिया। और पहला इवेंट पे हम लोग ने कुछ 400 यूनिट्स हम लोग ने कलेक्ट कर दिया। लेकिन 400 यूनिट कलेक्ट करने से भी ज्यादा बात है कि उस पे जो 700 लोग पे काफी लोगों का रिजेक्ट हो गया, लेकिन वो लोग जो अवेयरनेस रनिंग करके पूरा लोग बोलते थे। लेकिन ये रनिंग का साथ एक नया एक सिलसिला शुरू हो गया कि जहां आप जाके खून डोनेट कर सकते हैं। सो ये हम लोग ने 2020 पे किया और उसको हम लोग ने 2021 पे हम लोग ने रिपीट किया और भी बड़ा स्केल पे। और 2022 पे ये साल भी हम लोग ये जो ड्राइव रखा है, और ये साल हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन पे हम लोग ने टारगेट रखा कि 1500 डोनर्स को रजिस्टर करने का और मिनिमम 1000 यूनिट्स कलेक्ट करने का। ये जो 1000 यूनिट कलेक्ट करने का शायद लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर एक आदमी डोनेशन करने को आएगा तो भी उसका खून नहीं ले पाता है कि अगर आपका पैरामीटर प्रॉपर नहीं रहेगा तो, हीमोग्लोबिन कम है या अगर टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ है या कोई इन्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उनका नहीं लिया जा सकता। नवीन भाई, ये एक जिंदगी में कहते हैं कि खून दान जीवन दान बराबर है, और ये सही में एक मानव सेवा का बीड़ा जो आपने और आपकी टीम ने उठाया है। मैं दिल से आप लोगों को सबको सलूट करता हूँ, पूरा टीम को। बिल्कुल, आपकी टीम ने बहुत ही जो काम कर रहे हो। नवीन भाई, कुछ सवाल हैं मेरे। जो आप एक सीजन रनर हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ दौड़ते हैं, मैं जो सुनने वाले जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन या यंग रनर्स होंगे, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या इस दौरान कभी आपको कोई इंजरी हुई, और अगर नहीं हुई तो बहुत बढ़िया है, अगर हुई तो क्या हुआ और आपने उससे कैसे डील किया है? क्योंकि एक रनर के लिए इंजरी एक बहुत ही है ना फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है, क्योंकि उसको उसका मेडिटेशन रनिंग है, उसको मज़ा आता है उसमें, और वो उसको मेंटल पीस पावर सब कुछ देता है, और अगर वो बंद हो जाए तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? 100% हम भी उस जर्नी से गुजर चुके हैं। इनफैक्ट मेरा जो पहला मैराथन है, मेरे को अकिलेस टेंडन से तो मैंने शुरू किया है, लेकिन वो इतना अच्छा सबक था कि हमें मालूम हो गया कि स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। एब्सोल्युटली, आप रनिंग करो, ताकत कितना भी रहने दो, लेकिन ये जो मसल्स है, ये जो टेंडन है, उस पर कुछ नहीं चलता, उस पर खाली एक ही दवा है, उसको स्ट्रेचिंग, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूल डाउन। एब्सोल्युटली, और फिर भी हो ही जाता कभी कभी। उतना होने का बावजूद हमें ये 10 साल का बाद हमें ये प्लांटर फेशियटिस हो गया। ये शायद हमारा जो लैंडिंग का जो तरीका था वो शायद प्रॉपर नहीं था, उसका कारण क्योंकि हमारा पास शायद वो तो पोस्चर तो अपना आप डेवलप हो जाते हैं, तो आप एक कॉम्फर्ट जोन पे आ जाते हैं और आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये बीच बीच में इतनी बड़ी बात बोलते हैं धीमे से, मैं आपको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, न खुद की बॉडी को,
नए खुद के रिश्तों को, तो फिर आपको इंजरी हो गया, प्लांटर फेशियल, प्लांटर फेशियलिटीज हो गया। और ये जो दर्द तो बहुत सुबह सुबह उठाई नहीं जाता, सुबह उठा नहीं, पैर नीचे नहीं रख सकते। हमने फिर भी ये जो हॉट पैड रख के हमने एक सेल खींच लिया, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा तो बाद में तो दर्द कम हो जाता है, तो आप जा सकते हैं, 2-3 घंटा आप निकल सकते हैं, बराबर। लेकिन एक लेवल पहुंच गया कि इस पे मैं सोचा कि रेस्ट लेना जरूरी है। ओके, तो रेस्ट लेना बोलेगा तो घर पे बैठना तो इम्पॉसिबल है, तो हमने तो दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, तो हमने साइकिलिंग शुरू किया। ओके, आपने रनिंग बंद हो गया तो साइकिलिंग शुरू कर दिया। गुड, साइकिलिंग शुरू किया तो 6 महीना तक हम लोग ने साइकिलिंग किया। वहां पे भी एक ग्रुप तो बन जाता है, क्योंकि देखो जिधर प्यार है उधर ग्रुप है, क्योंकि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको आप शेयर करो तो 10 आदमी आपके साथ जुड़ जाते हैं। शेयर करो, खुशियां भी शेयर करो और आपके गम है वो भी शेयर करो, गम भी कम हो जाएंगे। खुशियां शेयर करोगे तो खुशियां बढ़ जाएंगी और बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, इन्होंने पैर की चोट के बाद में साइकिलिंग शुरू कर दी, और जैसा बताया कि जहां पॉजिटिव लोग होते हैं वहां नया ग्रुप बनने में देर नहीं लगती, तो आपका वहां भी एक ग्रुप बन गया एंड यू स्टार्टेड एंजॉयिंग साइकिलिंग। तो नवीन भाई, फिर जब आप साइकिलिंग में चले गए और फिर जब आपका पैर ठीक हो गया तो फिर तो साइकिल में मजा आने लग गया होगा, तो फिर वापस रनिंग में कैसे आए? देखो, साइकिलिंग पे तो चले गए लेकिन हमारा दिल तो रनिंग को ही जुड़ा हुआ था। जो हम संडे का दिन जब भी भागने को जाते हैं, पहला बात हम भागने को सुबह जो 5 बजे उठ के या 5:30 बजे उठ के भागने को जाते हैं कि संडे का दिन जब ये जो 21 किलोमीटर रन करते हैं उस पर इतना लोग सामने से हमको मिलते हैं जो हमारा जैसा रनिंग करते हैं। भले हम आज तो हमको सभी लोगों का पहचान हो गया, वो अलग बात है, लेकिन हमें उनका चेहरा मिस नहीं करना है। We don't want to have the guilt of missing those beautiful souls, you know. That's the reason ये जो रनिंग हम संडे का दिन जाते ही ओके, ये जो साइकिलिंग पे वो आनंद नहीं आ रहा था, वो वाले चेहरे नहीं दिख रहे थे कि वो पॉजिटिव चेहरे, वो इंस्पायरिंग चेहरे कि सुबह सुबह 5 बजे हर उम्र का आदमी, हर वेट का, हर रंग का, अपनी अपनी स्पीड पे आ रहा है, नए जाने पहचाने में हेलो हाय करते हुए आपको चीयर करते हुए जा रहा है। तो ये आपको एक मिस हो रहा था और ये वापस आप, क्योंकि बाद में बात ये है कि दर्द चाहिए या ये खुशी चाहिए, तो आपने खुशी चूज किया। खुशी चूज, दर्द तो होता है, होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उस पे हमने एक नया रनिंग पोस्चर शुरू किया, हमारा जो लैंडिंग है हील लैंडिंग को हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया। पहला जो 4-5 हफ्ता हमें थोड़ा तकलीफ हो गया, टिल आई गॉट यूज्ड टू दैट मिड फुट रनिंग एंड द फ्रंट फुट रनिंग, ओके, बट अभी तो 3 घंटा तो बहुत आराम से हम जा सकते हैं। नवीन भाई, जब आप इतने साल से दौड़ रहे हो, 12-13 साल से अभी कंटिन्यूस हो, एक बहुत अच्छे लेवल पे और रेगुलर दौड़ रहे हो, तो इसमें डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ कुछ होगी जो आपको याद हो, जो हमेशा याद रहती है और आपको भी लगता है कि यार ये तो कुछ करिश्मा टाइप सा है, मतलब तो कुछ ऐसा कभी हो हुआ तो बताएं आप। ज़रूर ज़रूर, एक चीज़ हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो 2012 का बात है, हमने हैदराबाद का मैराथन पे रजिस्टर किया था और इनिशियल हम लोग ये जो 42 किलोमीटर मुंबई पे रन किए थे, हम बोले कि हैदराबाद का भी रन करते हैं, उसका बारे में सुने थे तो हम बोले कि उधर जाएंगे। ये जो रन रजिस्टर करके हम जाने का पहला दिन हमको बहुत बुखार हो गया, हम उसका पहला दिन जाके हम लोग सेटल हो जाते थे, अगले दिन मॉर्निंग रनिंग घर पे तो कैसा भी थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ा, क्योंकि बाहर जा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रहा है तो घर वाले तो परेशान हो जाते, तो somehow I managed to take my bags and go down, नीचे दोस्त लोग खड़े थे, उसका बाद तो दोस्त लोग तो हमारा ख्याल रखे, हम हैदराबाद पहुंच गए और थोड़ा टैबलेट भी लेना पड़ा और दोस्त लोग थोड़ा प्रेयर्स भी कर रहे थे, बुखार तो हो जाता है क्यों, हमें हमारा हाथ पे तो नहीं होता, और रात को नींद तो आता ही नहीं था, दिमाग पे अगले दिन सुबह का ही सोच पे था। तो एक दोस्त हैं,
एक नविता करके हमारा दोस्त है, वो बोला कि नवीन तुम सुबह जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जाके स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाओ, हम तो तुमको प्रेयर करेंगे, उतना तो हम कर सकते हैं, दुआ मांगी है आपके लिए, दुआ मांगी। तो हमने सुबह उठ के तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। मेजर साहब आप मानेंगे नहीं कि जो हुसैन सागर लेक पे एक राउंड मार जाते बाद में ये जो 42 किलोमीटर का आगे चल जाते और कच्ची पल्ली पे एंड हो जाती यूनिवर्सिटी का ग्राउंड। हल्का सा बारिश हुआ था और ये जो 10 किलोमीटर का जो पहले का राउंड हम लोग कंप्लीट किया तो हमारा ये जो बुखार है ये हमको एहसास ही नहीं हो रहा था कि हमको बुखार है। और जबकि 102-103 डिग्री चल रहा था जो 102 से ऊपर ही था, 102 टू 103 के बीच में था, ये बुखार हमें महसूस नहीं हो रहा था। हमको मालूम नहीं हम ये सही कर रहे गलत कर रहे, लेकिन अगले कर दिया पूरी मैराथन, पूरा मैराथन कंप्लीट कर दिया और एकदम फ्रेश हो गए। ये मैं जिंदगी भर याद रखिएगा कि हमारा जो बॉडी का जो ताकत है शायद हम काफी बार उसके बारे में जानते नहीं। हम हनुमान, भगवान हनुमान की तरह होते हैं, जब तक उनको जामवंत याद न दिला दे कि इतनी ताकत है कि लंका को खत्म कर सकते हो या संजीवन बूटी ला सकते हो, पूरा पहाड़ ला सकते हो। आपने सही बोला कि कई बार हमें खुद की बॉडी की ताकत का और उसमें कितना पावर है एहसास नहीं होता, लेकिन साथ में नवीन भाई इस चीज़ से मुझे ऐसा भी एहसास होता है कि शायद दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। अगर आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके वेल विशर अगर सही से दिल से दुआएं मांगते हैं तो उन दुआओं का असर आपके ऊपर आता है 100%। और आपके लिए आपके दोस्त ने दुआ मांगा तो शायद उसका भी असर होगा और बाकी आपकी बॉडी ने कुछ ऐसा डेफिनेटली कुछ करिश्मा हुआ कि 42 किलोमीटर कोई ऐसा नहीं है कि एक मिनट में ख़त्म होने वाला है। 102-103 डिग्री पे ये वाली रन करना थोड़ा, और रनिंग में बॉडी का टेम्परेचर वैसे भी बढ़ता है, तो इट्स अनदर मैसेज आई वांट टू शेयर। कभी किताब लिखें तो जरूर उसमें इस कहानी को आप जरूर लिखिएगा। और नवीन भाई मेरा एक और सवाल है अंत में आपसे, आपकी लाइफ में जो आपने ये जर्नी की है इसमें सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग आदमी कौन रहा, जिसने इस पूरी जर्नी में हमेशा जिसकी तरफ आपने देखा और जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, आपके माताजी, पिताजी, आपके गुरु या आपकी पत्नी या आपके कोई दोस्त, या जरूरी नहीं एक ही आदमी हो, एक दो कुछ ऐसे लोग हों। देखो पहला पिलर बन जाते आपका साथी, आपका फैमिली, आपका वाइफ है, क्योंकि जब तक आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलते, जब तक आपका फैमिली आपको मोटिवेट नहीं करते रोज का जाओ तुम एक्सरसाइज करो तुम फिट रहो, आप वो जर्नी नहीं कर पाए। तो ये तो 100% क्रेडिट जाते हैं हमारा वाइफ को, क्योंकि उन्होंने हमको कभी भी मोटिवेट कर रहा था कि एक्सरसाइज करो, फिट रहना चाहिए, ये तो पहला मोटिवेशन। बाकी का तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो भी एक्सपीरियंस को शेयर करें हमको, यू नो लाइक आज ऐसा तो काफ़ी एथलीट्स है जो हमको मोटिवेट किया, हमने बचपन से बड़े होने का टाइम जो क्रिकेटर्स को देखते थे और हॉकी प्लेयर्स को देखते थे, वो लोग का जो परफॉर्मेंस जो देश को नाम लाता, तो भले हम लोग ऑडियंस थे, स्पेक्टेटर्स थे, लेकिन वो लोग हमें काफ़ी मोटिवेट किया। वो जो हमारा शरीर पे है कि हम कहाँ भी जाके जीत के आना चाहिए वो रहता है। ओके, और ये जो जर्नी हमारा जो शुरू किया है कि ये जर्नी ऑफ रनिंग has given us immense amount of love. ये जो प्यार जो हमने पाया है, हम कभी सोचा नहीं था कि यूं लगे एक अनजान शहर पे जाके आपको इतना प्यार मिल सकता है। सो हर एक इंसान से मैं बोलता हूँ, आप एक जो कंपेनियनशिप बना दीजिए एक फिजिकल एक्टिविटी का जरिए से, क्योंकि वो आपका बॉन्डिंग लाइफ टाइम तक रह सकता है और आप इतना बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी ये जो एक शपथ लेगा कि मैं ये जो वेलनेस और इलनेस का अवेयरनेस सारी दुनिया में फैलेगा तो हमारा देश एक जेन्युइनली फिट 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 भारत बन सकते हैं। क्योंकि आज हमारा बहुत डर का बात ये कि जो इंसान हॉस्पिटल पे नहीं जाना चाहिए वो उम्र पे वो हॉस्पिटल पे जाएगा तो हॉस्पिटल के ऊपर इतना लोड बन जाता है। देखिए हेल्थ सर्विस
उनके लिए बना के रखा है जो 70 ईयर से ऊपर वाले हैं या जो विमेन है जिसको गायनेकोलॉजी के लिए हॉस्पिटल जाना है और जो बच्चे हैं जिसका नसीब खराब है वो पैदा होते होते वो लोग बीमारी से पैदा होते हैं। उसका अलावा कोई भी इंसान अगर ये जो हेल्थ सर्विस को यूज करते हैं तो हम गलत करते हैं, इट इज नॉट राइट, यू नो, बिकॉज लाइक आई मीन इफ आवर कंट्री इज हेल्दी देन ऑल ऑफ अस आर हैप्पी। और कंट्री कभी हेल्दी हो जाते कि हर इंसान अपना बारे में एक घंटा फिजिकल एक्टिविटी पे वो टाइम स्पेंड करेगा, पूरा 23 घंटा उसका आनंद उठा सकता। नवीन भाई, जो हमने ये एक मिशन चलाया है पूरे देश में, फिटिस्तान एक फिट भारत, कि ये एक जो मुल्क है ये हेल्दी लोगों का एक देश हो, उसके बारे में आप जो ऑडियंस है और जो बाकी पूरे देश में फिट भारत कैप्टन हैं और जो फिट भारत आर्मी क्रिएट कर रहे हैं देश में, उन लोगों को एज ए चैम्पियन, एज ए एम्बेसडर, एज ए फिट भारत कैप्टन, आप उनको अपना तरफ से कोई संदेश देना चाहें? नहीं, मैं बहुत ज़रूर संदेश देना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा पास एक छोटा सा स्टोरी भी है। एक्चुअली मुझे याद है कि जनवरी 26 का दिन आपने एक रिपब्लिक का रन किया था, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर मुंबई पे भागीदार नहीं बन पाए, लेकिन उस टाइम पे हम हमारा गांव पे थे, हमारा मुल्क पे थे और हमारा मुल्क पे हम एक स्कूल को सपोर्ट करते हैं, तो हम सोचे कि मुंबई पे हमारे दोस्त लोग रिपब्लिक डे को पूरा सेलिब्रेट कर रहे रन करके, क्यों ना हम ये जो स्कूल का बच्चे का साथ हम ये जो जर्नी करें। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है कि 26 जनवरी को हमने 73 मिनट रन सोल्जराथन इन ऑनर ऑफ इंडियन सोल्जर्स हमने किया था, तो यहाँ बॉम्बे में इवेंट हो रही थी, बाकी शहरों में, दिल्ली में, सब जगह जो फिट भारत कैप्टन है वो इवेंट कर रहे थे। उस समय नवीन भाई अपने गांव में गए थे जहाँ पे जिन बच्चों के एजुकेशन के लिए ये और इनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं, गांव के बच्चों को, और मुझे खुशी है कि पूरी स्कूल के बच्चे 26 जनवरी को, और ये खुद भी नंगे पैर भी उनके साथ, इन्होंने वहाँ पे 73 मिनट रन किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। और ये शो करता है कि चाहे आप कहीं भी हों, अगर आप एक कोज के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं तो वो काम कर सकते हैं। उस टाइम आप यहाँ नहीं थे, गांव में थे, लेकिन उन बच्चों को आपने एक वो एक्सपीरियंस दिया, उन बच्चों को एक वो फीलिंग दी कि कुछ हम 26 जनवरी को कर रहे हैं और देश के फौजियों के ऑनर में कर रहे हैं, तो वो बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। और आपकी कहानी ने सोशल मीडिया पे इतने लोगों को इंस्पायर किया, बाकी भी जगह जगह मेरे को लोगों ने, जब नीचे मैसेज देख रहा था कि अगर हमें पता होता तो हम भी हमारे गांव में बच्चों के साथ दौड़ते, तो फ्यूचर में ये ऐसे ही एक पॉजिटिव वेव जाती जाएगी। दोस्तों, मैं फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर से, फिट भारत के सारे कप्तानों की ओर से जो कैप्टन्स हैं और फिट भारत आर्मी के जितने भी सोल्जर्स पूरी कंट्री में हैं, उन लोगों की ओर से नवीन भाई को एक बार सलूट करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना वक्त निकाला। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं वो मिशन सफल हो, भारत फिट हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो और ये एक फिटिस्तान बन जाए। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत, जय हिंद। शुक्रिया नवीन भाई, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।